अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक है, माशाल्लाह अल्लाह का करम है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे अपने अपने घर अपने अपने प्यारों के साथ। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। जो बेरोज़गार है अल्लाह पाक उनको रिज़्क़ हलाल की रोज़ी अता फरमाए। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत अली के कौल के साथ शुरू करती हूँ। माशाल्लाह क्या खूबसूरत उन्होंने फरमाया कि पहले तो खुद अच्छा हो जा, फिर सारी दुनिया तुझे अच्छी लगने लगेगी। तो इसलिए इस कौल से ही हमें सबक मिलता है कि पहले हमें खुद अच्छा हो जाना चाहिए ताकि हमें दूसरे लोग भी अच्छे लगने लगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें खुद अच्छा हो जाना चाहिए। मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है, सुबह के 6:45 बज रहे हैं। अब मैं क्या नाम जुड़ाई पे बैठ गई हूँ, चूड़ी का काम कर रही हूँ। फिर बच्चे अभी सो रहे हैं तो उठकर फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। सफाई मैंने कर ली है सारी, अब मैं हुरम को बुलाती हूँ, उससे मैंने सौदा मंगवाना है। हुरम जल्दी आओ, ये जाओ आप ना सौदा लेकर आओ, आटा तेल और लाल मसूर की दाल, ठीक है? लाल मसूर की दाल। चलो जाओ शाबाश, जल्दी जाओ, जल्दी आना प्यारे बहन भाई। आज मैं पका रही हूँ लाल मसूर की दाल, उसके लिए मैंने पानी बॉयल कर लिया अच्छे से। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह पाक हमारे खानों में हमारे रिस्क में ढेर सारी बरकत आता फरमाया। दाल मैंने इसमें ऐड कर दी। अब ये ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद झाग आएगी इसको मैं निकालूँगी। एक उबाल आ जाए इसको फिर निकालती हूँ मैं इसकी झाग सारी। यहाँ मैं आटा गूंद लूँ, जब तक आटा मैंने थाल में डाल दिया है अब मैं इसको गूंद लेती हूँ। इसकी झाग मैं निकालूँगी सारी, फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये देखें इसमें सारी मैंने झाग निकाल दी। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 चम्मच डालूँगी। थोड़ी सी और डाल देती हूँ, 1/2 चम्मच और डाल दी। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 हसबे ज़ायका नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे अपने अपने प्यारों के साथ, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अब मैं इसको ढक दूंगी। ये हल्की आंच पे अब पकती रही जब तक मैं अपना आटा गूंद लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आटा गूंद लूं जब तक दाल हमारी पक रही है चूल्हे के ऊपर। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया आटे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा मेरा बस गूँ
चुका है, अब मैं इसको रख दूँगी। जी तो प्यारे बहन भाई, आटा मैंने गून लिया है। जी तो बहन भाई, देखिए मेरी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। इसकी लुक चेक करें आप, माशाल्लाह। अब मैं इसमें तड़का लगाने लगी हूँ। एक चम्मच मैंने लहसुन लिया, उसको बारीक बारीक काट लिया, और इसमें साबुत लाल मिर्ची ली। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक हमारे खानों में, हमारे रिस्क में ढेरों बरकत आता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो प्यारे बहन भाई, अब बताइएगा आपको मेरी आज की दाल की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैं, अब बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा आज ना दाल के साथ हरी मिर्च भी फ्राई कर दें, मसाले वाली। तो अब मैं मसाले वाली हरी मिर्च फ्राई कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने पिसा हुआ धनिया, लीमू और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। सुबह सुबह 7 बजे मैं बैठी थी, तो अभी मैंने ख़त्म की है। साथ साथ मेरे घर का काम भी होता है, तो अब इस बच्चों को बिठाऊंगी, इनको रस्सियों में भरेंगे, तो अब मैंने दूसरा काम शुरू किया। दूसरे कलर की जैसे चूड़ियाँ, अब मैं उस काम पर आ गई। अब मैं ये वाली चूड़ियों का काम कर रही हूँ। पूनम को मैंने बाहर से बुला लिया था, अब ये चूड़ियाँ भरेगी रस्सियों में। आ गई है पूनम। मेरा आज तक का यही भी लोग था। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने घर, अपने अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सोने दिया वाले।